अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में आपसे लेटेस्ट मैंने कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर्स के वाले से अपडेट शेयर करनी थी। तो सबसे पहले जो अपडेट है वो ऑस्ट्रेलिया के एयरलाइन से एक अपडेट आई है जिसमें वो ट्रायल स्टार्ट करने के वैक्सीनेशन पासपोर्ट का एक वो इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपसे शेयर करूँगा। उसके बाद वैक्सीनेशन की कुछ अपडेट सामने आई है, साउथ ऑस्ट्रेलिया की भी एक सामने अपडेट आई है वो शेयर करूँगा आपके साथ। उसके बाद बाकी उन्होंने स्कॉट मॉरिसन ने एक लेटेस्ट अपडेट दी है जिसमें उन्होंने नेक्स्ट स्टेप्स की बात की है, वो आपके साथ शेयर करूँ कि आगे कमिंग मंथ्स के अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या होने लगा है वैक्सीनेशन प्रोसेस का, उसका आगे जो बॉर्डर्स का स्टेप होगा वो कैसे होगा, आगे किस तरीके से होगा। सो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, अगर चैनल पे नए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन, उसके बाद ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स के वाले से अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर आप लोग पहली अपडेट देख सकते हैं, CW ट्रैवल पर है, अनलॉकिंग द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया टू ट्रायल वैक्सीन पासपोर्ट्स ओवर कमिंग डेज एज पोस्ट कोविड ओपनिंग प्रिपरेशन बिगेंस। तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया एक ट्रायल स्टार्ट करेगा वैक्सीन पासपोर्ट के जरिए आगे कमिंग डेज के अंदर एज पोस्ट कोविड ओपनिंग प्रिपरेशन बिगेंस। आगे आप लोग देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियंस हैव बीन टोल्ड टू डस्ट ऑफ पासपोर्ट्स आफ्टर द फेडरल गवर्नमेंट अनाउंस्ड इट वुड बिगेन अ ट्रायल ऑफ वैक्सीन पासपोर्ट। फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो एक ट्रायल स्टार्ट करेंगे जो कि वैक्सीन पासपोर्ट के जरिए विथ सम कंट्रीज दिस वीक के अंदर, द लेटेस्ट स्टेप इन ऑस्ट्रेलियाज री ओपनिंग टू द वर्ल्ड। ये एक लेटेस्ट स्टेप होगा, मतलब फर्स्ट स्टेप होगा ऑस्ट्रेलिया री ओपनिंग टू द वर्ल्ड। आगे आप लोग देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया क्लोज इट्स बॉर्डर ऑलमोस्ट 18 मंथ्स एगो कोविड-19, बट नाउ विद वैक्सीनेशन रेट्स राइजिंग। तो आपके सामने के वैक्सीनेशन रेट जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी है वो राइज हो रहे हैं डेली, मतलब लाखों की तादाद में ऑस्ट्रेलियंस वैक्सीनेट हो रहे हैं। द कंट्री इज़ पॉसिबली जस्ट मंथ्स अवे फ्रॉम रिलैक्सिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रैवल। इंटरनेशनल ट्रैवल के जो रिस्ट्रिक्शन इन्होंने लगाई है वो भी हट जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन हैज सेड दैट वंस 80% ऑफ ऑस्ट्रेलियंस एडल्ट पॉपुलेशन हैज़ रिसीव्ड बोथ डोसेस, पीपल विल अगेन बी अलाउड टू ट्रैवल ओवरसीज। देखिए ट्रैवल स्टार्ट होगा जब 80% तक कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, स्काई न्यूज़ ऑस्ट्रेलियन चैनल पर है, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन इज अनाउंसिंग द नेक्स्ट स्टेप्स इन ऑस्ट्रेलिया वैक्सीन रोल आउट। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन जो है अभी वो नेक्स्ट स्टेप फर्दर बताएंगे वैक्सीनेशन रोल आउट का, क्योंकि अभी इनका मेन जो टारगेट है वो यही है कि हम आगे जो नेक्स्ट फेजेस है बॉर्डर्स ओपनिंग के उसको हम जल्द से जल्द स्टार्ट करें। और ये तब स्टार्ट होगा जब इनका वैक्सीनेशन जो टारगेट्स हैं, जिस तरह इन्होंने बताया है कि हम December 10 तक जो 70% and 80% तक जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट हो जाएगी। तो आपके सामने ये अपडेट्स के डेली ये लाखों की तादाद में वैक्सीनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, 9 News ऑस्ट्रेलियन चैनल पर है, अ फर्दर 1 million डोसेस ऑफ द मोडर्ना वैक्सीन हैव बीन सिक्योर्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड आर सेट टू अराइव इन ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक। ये बस अपडेट मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर करनी है कि जिन्होंने अभी तक मोडर्ना वैक्सीन नहीं लगाया तो वो वैक्सीन लगा सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इसको भी अप्रूव किया है ट्रैवल के लिए आगे कमिंग, जब बॉर्डर ओपन होंगे कमिंग न्यू ईयर तक। तो ये इन्होंने क्लियरली बताया है इसमें कि जो मोडर्ना वैक्सीन है वो भी 1 million ऑस्ट्रेलिया के अंदर अराइव हो जाएगी। तो आप लोग जिसने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई तो वो मोडर्ना वैक्सीन भी लगा सकते हैं, फाइजर है, एक्स्ट्राजेनेका है और एक जॉनसन वैक्सीन जो है। नेक्स्ट अपडेट जो क्वींसलैंड के प्रीमियर है, ग्रेट न्यूज़, नो न्यू केसेस इन क्वींसलैंड इन द पास्ट 24 hours। 24 hours के अंदर अभी तक कोई भी क्वींसलैंड के अंदर कोई भी केस नहीं आया कोविड का। तो लास्ट जिस तरह आपको पता है कि NSW में केसेस है, तो अभी NSW के ज़्यादातर सेकेंड डोसेज भी कंप्लीट हो जाएंगी नेक्स्ट मंथ तक। तो उसके बाद बाकी जो क्वींसलैंड है, जो साउथ ऑस्ट्रेलिया है, वो भी अपनी एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देगा। तो बस आपको मैंने इसमें यह बताना था कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि हमें स्टेट के बारे में कोई भी अपडेट होती है तो हमारे साथ शेयर करें, चाहे वो वैक्सीनेशन की अपडेट हो या बॉर्डर्स की अपडेट हो। सोरेन, उसके बाद आपके साथ वैक्सीन की मैंने आपके साथ अपडेट शेयर करनी थी कि जो वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है ट्रैवल के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए, जब बॉर्डर्स को ओपन कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो फाइजर एंड एक्स्ट्राजेनेका है, तो आप सबको पता है कि ये अप्रूव हो गई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर और ये ज़्यादातर लगाई जा रही हैं। और उसके बाद जो मोडर्ना वैक्सीन है उसको पहले अप्रूव नहीं था लेकिन अभी उसको अप्रूव किया गया है, जिस तरह मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि 1 million वैक्सीन्स आ जाएगी मोडर्ना आगे कमिंग मंथ्स के अंदर, अक्टूबर के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो मोडर्ना वैक्सीन को भी ये अपनी कंट्री के अंदर वैक्सीनेट करेंगे सिटीजन्स के थ्रू। और उसके बाद बाकी मैंने आपके साथ यही शेयर करना था कि आप लोग जल्द से जल्द ये वैक्सीन लगाएं ताकि लेट ना हो जाएं। और उसके बाद आपको जो भी वैक्सीन मिली, सारा जॉनसन वैक्सीन को भी अप्रूव किया गया है, तो कल परसों तक वो भी अपडेट आ जाएगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन कौन सी जो वैक्सीन है उसको ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूव किया है।
सो यार, आज की अपडेट्स याद रखती है, अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जितना पॉसिबल होगा आप लोग को आंसर्स करूंगा। एंड प्रेस द बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स के हवाले से जो भी अपडेट होती है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।